जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट फाइन होंगे। देखिए, यदि आप पुलिस का सपना देख रहे हैं, स्पेशली बिहार के हो आप, और आपका सपना है कि मैं बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊं, तो आपका सपना जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 6 मंथ से 1 साल के अंदर में साकार हो सकता है, और वो है मद्य निषेध। मद्य निषेध एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसी आती है और 6 मंथ से 1 साल के अंदर में कोई वैकेंसी जो है कंप्लीट हो जाती है। आप देखे होंगे बिहार पुलिस की वैकेंसी आई और उसका प्रोसेस कंप्लीट होते होते तब तक मद्य निषेध की 2 बार वैकेंसी आई और दोनों बार जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मद्य निषेध जो है बहुत फास्ट आपको जो है प्रोसेस लेकर चलता है और बहुत फास्ट जो है आपका सिलेक्शन करवाता है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध के बारे में। स्पेशली अभी जो है 1218 पोस्ट पे वैकेंसी के बारे में चर्चा हुई है, इसके लिए जो है अभी फिलहाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो है बात किया गया है कि 1218 सीट जो है मद्य निषेध में वैकेंट देखने को मिला है। तो अमूमन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मात्र आपको 2 मंथ के अंदर में जो है वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल में आपके लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। जो भी बिहार के लड़के हैं या अदर स्टेट के भी लड़के हैं, सबके लिए जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अभी तक का सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा मद्य निषेध कॉन्स्टेबल पद पे। तो पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, आपको हाइट चेस्ट वेट कितना देखने को मिलेगा, फिजिकल कैसा रहता है, आपको जो है कट ऑफ क्या देखने को मिलता है, साथ साथ जो है पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें किस तरह के पेपर आपको देखने को मिले और किस तरह से जो है ये बिहार पुलिस से आपको अलग बनाता है और बेहतर बनाता है, हर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो बिहार मद्य निषेध में जो है 1218 पोस्ट पर भी बात किया जा रहा है, तो 1218 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे और ये जो है कॉन्स्टेबल पद के लिए आपको होंगे। और अभी जो है इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो बेसिक इसका जो है 21,700 से स्टार्ट होता है और अभी जो डीए चल रहा है 42% डीए चल रहा है, बहुत जल्द जो है ये 46% के आसपास होने वाला है, तो इस पे जो है डीए लगता है। ऑलमोस्ट आपकी सैलरी जो है लगभग 30,000 के आसपास स्टार्टिंग में ही मिलने लगती है, लेकिन समय के साथ जो है ये बढ़ता जाता है और लगभग मान के चलो कि सैलरी आपकी आएगी तो 32-33 के आसपास आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो सैलरी जो है अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। योग्यता के बारे में बात करें तो आपको मात्र 12th पास चाहिए, बस 12th किसी भी बोर्ड से पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहीं से हो, किसी भी स्टेट से हो, 12th चाहिए। के बारे में बात करें तो देखिए उम्र जो है जनरल पुरुष महिला के लिए जो है 18 मिनिमम लिया जाता है और मैक्सिमम 25 साल देखने को मिलता है। पुरुष महिला दोनों का जो है उम्र सेम देखने को मिलता है और ये जो है उम्र आपका एक डेट दिया रहता है, उस डेट से जो है आपकी काउंट की जाती है। तो जब भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो ये चीज आपका क्लियर होगा। तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 महिला पुरुष दोनों के लिए जनरल में। और ओबीसी ईबीसी मेल के बारे में बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 27 साल एज देखने को मिलता है। और ओबीसी ईबीसी फीमेल के बारे में बात करें तो 1 साल और इन लोगों का बढ़ जाता है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल देखने को मिलता है। अब देखिए एससी एसटी मेल फीमेल दोनों का जो है एज 18 से 30 देखने को मिलता है, इन लोगों को जो है कुछ छूट मिलती है। तो इस तरह से जो है आपका एज रहेगा, तो आप लोग देख लो, जो भी नए फ्रेश जो अभी इंटर का एग्जाम देके पास आउट हुए हैं तो उनवे जो है अपना एज चेकआउट कर सकते हैं। इसे तो जनरली सभी लोगों का एज जो है 18 साल होगा, बाकी जिनका नहीं होगा उनका जो है अभी तो 2 मंथ कम से कम, ये वैकेंसी जो है अगस्त तक आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। बिहार पुलिस की वैकेंसीज के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, जैसे डायल 112 हो गया, फिर से आपको जो है बिहार पुलिस जो फ्रेश वैकेंसी उसमें भी जो आने वाली है वैकेंसी, फायर डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उस तरह के तमाम सारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे फास्ट काम जो है इसका होगा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, और सबसे पहले हो सकता है कि ये भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा है कि 2024 के पहले जो है आपको बिहार पुलिस में जो है तमाम सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। अगर आप 12th हो तो आपको तो जो है अपॉर्चुनिटी है ये है, अगर साथ साथ आप ग्रेजुएट हो तो आपको जो है डबल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है सब इंस्पेक्टर पद पर जो है तमाम सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अब इसको समझते हैं, हाइट में जो है बहुत लोगों का ज्यादा कमेंट आता है, तो हाइट समझिए। देखिए फीमेल का पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो है क्लियर कट है, जितनी फीमेल है किसी भी कैटेगरी के हो उन लोगों का 1.55 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, बस मात्र 1.55 सेंटीमीटर आपका हाइट है, आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। और पुरुष में थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलता है, जैसे कि जनरल ओबीसी जो है 1.65 हाइट चाहिए पुरुष में, और ईबीसी एससी एसटी जो है 1.60 चाहिए हाइट। तो हाइट भी जो है कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ यूपी में आओगे तो 1.68 हाइट चाहिए होता है, लेकिन वहां पर जो है आपको हाइट थोड़ा सा कम में देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। चेस्ट लड़कों में देखने को मिलता है, तो चेस्ट जो है जनरल ओबीसी ईबीसी ये तीनों लोगों का चेस्ट जो है मिनिमम 81 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 86 देखने को मिलता है।
एससी एसटी वाले जो हैं इनको जो है मिनिमम 79 मतलब बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुला के 84 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। ठीक, चेस्ट हो गया। अब आप देखिए रनिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका मेड जो है फिजिकल पे ही बनता है और फिजिकल में ये सारे चीज देखने को मिलता है, आपका रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका रनिंग जो है 1.6 km होता है, 5 मिनट में आपको दौड़िएगा तो सब नंबर मिल जाता है, 6 मिनट में दौड़िएगा तो सिर्फ पास होइएगा, 25 नंबर के आसपास मिलता है आपको। ठीक है, और गोला जो है आपका 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट फेंकना होता है। और कि जंप में आपको, हाई जंप में आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ जो है आपको गोला फेंक में भी जो है आपको 3 स्टेप देखने को मिलता है, तो दोनों में जो है 3-3 स्टेप आपको देखने को मिलता है, इसमें उस हिसाब से जो है आप कर सकते हो। ठीक, फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की रनिंग जो है 1 किलोमीटर है 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा, अगर 5 मिनट से ऊपर जाते हैं 6 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको जो है 25 नंबर के आसपास मिलेगा, उसमें भी कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलता है। गोला फीमेल का जो है 12 पाउंड का गोला जो है 12 फीट फेंकना होता है, और इन लोगों का हाई जंप जो है 3 फीट कूदना होता है, मिनिमम मैक्सिमम 4 फीट कूदना होता है, 4 फीट कूदिएगा तो 25 नंबर मिलेगा, 3 फीट कूदिएगा तो सिर्फ पास होइएगा, वहीं 12-17 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है फिजिकल क्राइटेरिया है, लेकिन ये जो है आपका लास्ट का काम है जब आप रिटर्न निकाल लेते हो तो। ठीक, तो मोटा मोटी इसके बारे में जान लीजिए। देखिए आपका सिलेबस जो है इस तरह आपको देखने को मिलता है, लैंग्वेज में जो है आपको हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा, मतलब दोनों लैंग्वेज से आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलता है, हिंदी से भी इंग्लिश से भी, और आपको रीजनिंग मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ पूछता है। थोड़ा सा इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फुल एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो है बहुत अटपटा सिलेबस देखने को मिला है बिहार पुलिस का, और स्पेशली मद्य निषेध की ही जो है अभी करंट में एग्जाम हुआ था और उसी का पेपर जो है बहुत अटपटा देखने को आपको मिला है। तो देखिए हिंदी से लगभग आपका 15-20 क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंग्लिश से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार जो है 7-8 क्वेश्चन पूछा था। हाँ, एक चीज है कि टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता था उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा था, सिलेबस से रिगार्डिंग उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल विधिवत पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। बाकी रीजनिंग से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा था, जबकि रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछता है बिहार पुलिस में, लेकिन इस बार पूछा था, मैथ से पूछा था और जीके जीएस से पूछा था, इस बार जीएस से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिला था, स्पेशली बायोलॉजी से। ठीक है, और करंट अफेयर वगैरह भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कट ऑफ के बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। पहले बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से जो है बिहार पुलिस से बेटर है साइज पुलिस जो है, आपको बिहार पुलिस बहुत बढ़िया है और सब जो है कोई भी डिपार्टमेंट अगर बनता है तो बिहार पुलिस के अंडर में ही रह के काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मद्य निषेध जो है आज के डेट में इसलिए बढ़िया है क्योंकि बिहार में दारू है बंद और ये लोग जो है फुल फ्लैश में जो है अपना काम कर रहे हैं। मद्य निषेध वाले, मद्य निषेध वाले जो है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत तरह के काम कर रहे हैं। मद्य निषेध के बारे में आपको भी पता होगा, स्पेशली जो है मादक पदार्थों के रोकने का काम करते हैं, जहां भी तस्करी वगैरह हो रहा है वहां पर ये छापा वगैरह मारते हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये 12-18 पोस्ट जो है आपको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये क्रिएट किया गया है जो आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द, और बहुत जल्द जो है इसमें प्रक्रिया चालू होगी। ठीक, तो वही चीज है कि ये जो है आज के डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में तो जो है आप लोग जानते ही हैं, बिहार पुलिस के बारे में तमाम जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मद्य निषेध वाले हैं ये किस तरह से बेहतर है आपको बताता हूं। पहले तो इन लोगों की वर्दी काफी बढ़िया है, ये बिहार पुलिस जो है एक ही तरह की वर्दी पहनती है, जैसे कि आपका खाकी कलर की वर्दी हो गई, लेकिन ये जो है अपना वर्दी बहुत अच्छा पहनते हैं, मतलब ये 2-3 तरह की इन लोगों की वर्दी है। सबसे पहले तो एक पैरामिलिट्री टाइप की वर्दी है और साथ साथ खाकी वर्दी तो ये है सबके लिए, तो पैरामिलिट्री वाली वर्दी पहनते हैं, लाल बेल्ट लगाते हैं, ये भी जो है वर्दी पे थोड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में आप रहिएगा तो यहाँ तो खैर लाल बेल्ट सबको अलाउ है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन बिहार में ये बैन है, लेकिन वहीं आप एक्सरसाइज पुलिस बनते हैं तो आपको जो है लाल बेल्ट लगाने को मिलेगा, और इसके साथ साथ इसमें पैसा भी अच्छा खासा आज के डेट में जो है आपको सैलरी देखने को मिल रहा है, तो काफी बेहतर है और काफी फील्ड वर्क भी लोग काम कर रहा है। आपको एक बात बता देता हूं, आपको जो है ज्यादा अगर घूमने का शौक है और ज्यादा जैसे कि एक्सप्लोर करने का शौक है तो इसमें आपको काफी मजा आएगा, तो इसलिए जो है बिहार पुलिस से ज्यादा ये बेटर है, क्योंकि बिहार पुलिस अगर बनते हैं तो किसी थाना क्षेत्र पर रहिएगा तो आपको कुछ दिन तक वहां पर 2.5-3 साल तक वहीं पर आप एक जगह स्थायी रहिएगा, और यहाँ पे व्यवस्था भी आपको कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था भी आपको अच्छे देखने को मिलता है, रहने का, खाने पीने का तमाम तरह की व्यवस्था अच्छी आपको देखने को मिलेगी, और साथ साथ जो है फील्ड वर्क इसमें काम करने में आपको हमेशा मजा आएगा, क्योंकि ये जो है ये सेक्शन प्लाटून में काम करते हैं ये लोग, तो काफी बेहतर आपको बिहार पुलिस से कहीं ना कहीं ये लगेगा। ठीक, जॉब प्रोफाइल के बारे में हल्का फुल्का आपको बताइए दिए, जॉब प्रोफाइल लोगों का रॉयल है, मतलब कि 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन ये कहने के लिए होता है
पुलिस बनते हो तो ये सिर्फ कहने के लिए होता है, कहीं भी आप रहते हो अगर जरूरत पड़ जाएगी तो आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे भी बिहार में अगर दारू का सिस्टम जो है बंद चल रहा है फिलहाल में, अगर कहीं दारू मिलता है तो आपको छापा वगैरह मारना है, और छापा दबिश रात में ही जो है दबिश और छापा मारा जाता है। तो इसलिए जो है जॉब प्रोफाइल इन लोगों का अच्छा है, ठीक ठाक है बिहार में सब अपेक्षा। फैमिली परिवार भी जो है आप चाहे तो रख सकते हो, इसमें पढ़ने लिखने का भी जो है आपको समय मिलेगा। अगर ड्यूटी टाइम टेबल के बारे में बात करें तो ड्यूटी जो है फिक्स तो नहीं कह सकते कि 8 घंटा आप ड्यूटी करो अपने घर जाओ, ज्यादातर ड्यूटीज जो है आपको दिन में करनी है, और रात में भी जो है आपको दबिश वगैरह मारने जाना है तो रात में भी करनी पड़ सकती है। लेकिन वही है कि इसमें जो है आपको स्पेसिफाइड ड्यूटी है तो ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है अपने पे समय आप दे सकते हो इस डिपार्टमेंट में। पढ़ने लिखने का आपको अगर चाहिए कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए, हायर जॉब के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसमें तैयारी कर सकते हो। फैमिली परिवार के बीच में रहना चाहते हो तो ये तो खैर संभव नहीं है, लेकिन अपना कहीं भी रूम वगैरह लेके रह सकते हो। बैरिक वगैरह इसमें भी आपको मिलता है, खाना पीना भी आपको मेस वगैरह चलता है। खैर मेस की सिस्टम जो है हर जगह देखने को मिलती है, जहां भी 10 12 15 लोग रहेंगे अपना मेस प्राइवेट से चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ड्यूटी बढ़िया है, टाइम टेबल इसकी बढ़िया है, और आपको मजा आएगा। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली। तो देखिए कट ऑफ के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यदि पेपर आउट नहीं हुआ बिहार में, जो कि ये संभव नहीं है, संभव है आज के डेट में, तो यदि पेपर आउट हो जाता है बिहार में तो आपका कट ऑफ तो भाई 80+ जाएगा। किसी भी कैटेगरी से हो कम से कम 80+ का टारगेट रखो, और ऐसे भी जो है आपको 80+ का टारगेट रख के चलना है, ठीक है, तभी जो है आपका कट ऑफ में आपका रिजल्ट आ सकता है। और ऑफिशियल कट ऑफ जो है कभी आपको बिहार में देखने को नहीं मिलता है, तो मैं कैटेगरी वाइज आपको नहीं बताना चाहूंगा, कम से कम आपको 80+ टारगेट रखना है, 100 में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपके रिजल्ट बन सकते हैं। इस बार सीट की संख्या ज्यादा है और वैकेंसीज वगैरह भी जो है तमाम आपको देखने को मिलेगी, तो हो सकता है कि कट ऑफ आपका 70 80 के बीच में ही सब लोगों का देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, 80+। तो जी जान लगा दो, ज्यादा कुछ है नहीं, एक चीज तैयारी करोगे, 3 4 वैकेंसीज की तैयारी होगी, तो बढ़िया से पढ़ो, विधिवत तरीका से पढ़ो, काम आपका बिल्कुल बन जाएगा। ये थोड़ा बात कड़वा है लेकिन इसमें सच्चाई है भाई, अगर पेपर आउट होता है तो 90+ भी चला जाएगा, और नहीं तो 70 80 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, किसी भी कैटेगरी से आप हो उससे कम नहीं जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का कमेंट क्यों आता है कि सर एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताइए, एक्स्ट्रा इनकम क्या देखने को मिलता है। तो देखिए एक्स्ट्रा इनकम में आपकी सैलरी हो गई, सैलरी के बाद जो है आपको डीए मिलता है, जिसको जैसे कि आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके ट्रेवलिंग करते हैं या कैंपिंग करके जो है ड्यूटीज वगैरह करते हैं, तो आपका 270 रुपये के 290 रुपये के आसपास इसी तरह का डीए बनता है फर्स्ट क्लास सिटी में, ठीक है। तो पटना जैसे शहर में आप हो अगर इधर उधर जाकर ड्यूटी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रुपये सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद से जो है आपका एक्स्ट्रा में और कोई खास देखने को नहीं मिलता है। हाँ, अगर इलीगली पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम मतलब इन द सेंस कि इलीगली पैसा, तो इलीगल जो है आपको बहुत सारा सोर्स से पैसा मिलेगा, ले लेना अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो। मैं तो कभी राय नहीं दूंगा कि आप जो है इलीगली किसी से पैसा लो, अगर आप जो है एक पुलिस अधिकारी बने हुए हो तो आप उस पर अच्छे से काम करो, अच्छे से जो है उसका कंप्लायन करो तो अच्छी बात है, लेकिन इलीगल पैसा अगर किसी से ले रहे हो तो इतना बात ध्यान रखना कि जैसे लोग वैसे हो तुम्हारे पास से जाएगा, वो कभी रास नहीं आता है। कि बिहार पुलिस और बिहार एक्सरसाइज पुलिस सबकी सैलरी जो है सेम है, आपकी सैलरी लगभग 35,000 से 36,000 के आसपास बनेगी, जिसमें से 3 से 4 हजार आपका जो है एनपीएस कट जाता है, फिर जो रिमेन जो है आपके अकाउंट पे आता है, तो लगभग 32,000 के आसपास सैलरी तुम्हारे अकाउंट पे देखने को मिलेगी। डिटेल वीडियो यही आपका रहा मध्य निषेध से रिगार्डिंग, तो यदि आपका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन होना, पुलिस बनना, तो आप जो है इजली इस डिपार्टमेंट में आके और बिहार पुलिस का सदस्य बन सकते हो और काफी मजा आएगा। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी या सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलता है अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।